देखने वाले न्यूज़ राजनगर पंचायत गोहताश की तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर लोग खुशी में हिंदुस्तान के झंडे को लिए हुए, तिरंगे को लिए हुए इज्जत सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, चंद्रयान की खुशियां। आज नगर पंचायत गोहताश में गायत्री मंदिर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में शामिल मुखिया संतोष कुमार उर्फ भोला जी, विशाल देव, अजय देव और संजीव सिंह, दीपक कुमार और भी सारे कार्यकर्ता इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस खुशी के मौके पर मिठाई भी बांटा गया और इस तरह से पूरे नगर पंचायत गोहताश में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज और मैं साजिक एवं न्याजी। साजिक एवं न्याजी आज दिखा रहा है नगर पंचायत गोहताश की तस्वीर, जहाँ पर हिंदुस्तान के झंडे को फख्र से शान से ऊंचा किया गया है। और यहाँ पे सारे लोग इस तरह से खुशी में निकले हुए हैं, जैसे कि आप हमारे पीछे बैनर देख सकते हैं, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस तरह का यहाँ पे बैनर लेके सड़कों पर निकले हुए हैं। हमारे यहाँ पे भूतपूर्व मुखिया हमारे संतोष भोला जी भी हैं, हमारे विशाल देव साहब हैं, अजय देव साहब हैं, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात, आज पूरे हिंदुस्तान में खुशी मनाई जा रही है। देखिए ये ताशा धमाका बजाने वाले हैं, ये लोग बजा दीजिए भाई फोन। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ढोल बाजे के साथ ताशे के साथ यहाँ पर निकल पड़े हैं। और ऐसे में हमारे पास हमारे संतोष जी जो कि भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और यहाँ पे मौजूद है सर जी। भोला जी, आपके साथ लोग इस तरह से हिंदुस्तान के परचम को लिए हुए हैं और हम भी फख्र शान से कह रहे हैं सारे यहाँ से अच्छा हम बुलबुल हैं इसकी जी, क्या कहना चाहिए? सबसे पहला बात ये है कि चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग कर गया और वहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया से अपना काम कर रहा है, इसके खुशी में हम लोग निकाले हैं। और उससे बड़ा खुशी हमारा है रक्षाबंधन कि धरती माँ भारत माँ जो है चंदा मामा को राखी बांधने गई हैं। क्या बात है मुखिया जी, इसलिए पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है और हमारे नगर पंचायत रोहतास में भी जश्न मनाया जा रहा है, इसमें भी सारे लोग शामिल हैं और जो है ये बहुत ही खुशी का पल है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगला भी घोषणा कर दिए हैं कि वो सूर्य पर भी जो है सूर्यान भेज रहे हैं, शुक्र ग्रह पर भी भेज रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी इनका भी जो है ना यहाँ से तैयारी चल रहा है, बहुत जल्दी इनको भी लैंड कराया जाएगा। और इसके बाद जो भी विश्व में हमारा आज जो मान सम्मान बढ़ा है, जितना जो है एक हम कल दूसरे को ओर देखते थे, आज पूरा विश्व हमारे देश को ओर देख रहा है। हमारा जो है मतलब आचरण या विचार जो भी है उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा है कि भारत कैसे सफलता पा लिया, हमसे कुछ सीखने जो है ना कोशिश कर रहा है। तो भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की जय, भारत के सभी वैज्ञानिक की जय, भारत के सभी जन परिवारों की जय, समझ गया ना, पशु पक्षी सभी को, पेड़ पौधा जितने हैं सबकी जय। क्योंकि ये जो आज मिशन कामयाब हुआ है ये बहुत ही बड़ा है, जिसका जितना प्रशंसा करेंगे हम लोग वो कम रहेगा। धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे विशाल देव साहब है, यहाँ पे मौजूद है, उनसे मैं पूछता हूँ ये सारे जो विज्ञान की टीम थी और हिंदुस्तान की कामयाबी कामरानी पे आज क्या कहिएगा? सबसे पहले तो अपने देश को एक नई ऊंचाई छूते हुए मैं गर्व से सभी वैज्ञानिक को जो इस इसरो में
कामयाबी हासिल किए हैं, बधाई देते हैं। और चंद्रयान 2 जो हम लोग नाकाम हुए थे, और आप जानकारी होगा कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों कम्युनिकेशन एक साथ मिल रहे हैं, और भारत ने एक इतिहास रख दिया है जो स्वर्ण अक्षरों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में आज चंद्रमा को हम लोग छू लिए हैं। जैसे कहा जाता है कि चंदा हमको दूर है, लेकिन चंदा हमारा दूर है, क्योंकि हम लोग जल्द ही चंद्रमा पे एक ऐसा खोल हम लोग होने जा रहा है कि आने वाले समय में सारे देश एक नजर गड़ाया हुआ था कि ये जो भारत आगे जिस ओर बढ़ रहा है, आखिर इसकी कामयाबी क्या हासिल क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज तक हमारे जो भी कार्य हुए हैं पूर्ण रूप से हो रहा है। राम मंदिर देखिए, 3 दलाल देखिए, और जो भी हमारे अभी स्वास्थ्य व्यक्त है, सभी चीज का कार्यक्रम चल रहा है, और चंद्रमा पर सबका नजर था। इसलिए उन्होंने एक बेहतरीन मैसेज दिया है कि जो आज हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कल वो देश के लिए पूरा उंगली उठाएंगे। इसलिए मैं अभी सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, मैं नगरवासियों को भी बधाई देता हूँ। हमारी एक शोभा यात्रा निकली थी जो नगर पंचायत की तरफ से, कि हम लोग ने एक वैज्ञानिक को सम्मानित दिए कि हमारे साथ उन्होंने एक ऐसा कामयाबी हासिल किया है कि आने वाली पीढ़ी दर देखेंगे कि हम लोग चंद्रयान यान 3 का मिशन सफल किए। और खास में मीडिया बंधु आपको भी दवाई दे रहे हैं कि आप लोग हमारे कदम पे कदम मिलते रहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में नगर पंचायत अध्यक्ष दीपक कश्यप जी, हमारे भूतपूर्व भोला भैया जी हैं, अजय दिशमाची जी की हैं, सिंटू जी हैं, संजीव सिंह जी हैं, विवेक बहादुर जी नगर मंडल के हैं, वहाँ पर हमारे तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं जो इतने उल्लास के साथ मुझे हैं। मैं मिठाई हम लोग अभी जस्ट मिठाई भी हम लोग बांटने वाले हैं। जी आप अध्यक्ष हैं नगर पंचायत को उत्ताश के, और भाजपा के, और इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये बताइए आज आपका शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये पूरे नगर पंचायत घुमा। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप समय निकाल कर मेरे लिए आए, उसके लिए मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मीठा करा रहे हैं, ताजिए ताजिए। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है बहुत अच्छे, ये लड्डू खा के बोलिए क्या कहना चाहिए? अभी आपने लड्डू खा लिया, उसके बाद हम लोग खाएंगे। कहिए अजय जी, लड्डू खा लिया अभी मुंह मीठा कीजिए। और हमारे जितने भूतपूर्व मुखिया हैं, हमारे ये भोला मुखिया जी, अजय देव जी, ये सब हम मिलकर गायत्री मंदिर से लेकर नैना सिंह तक समापन करने जा रहे हैं। चलिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। क्या जमा नगर पंचायत को सब पिछड़ से लड्डू खिलाया जा रहा है और खुशियां मनाया जा रहा है, चंद्रयान की खुशी। और हमारे यहाँ पर जी कहिएगा लड्डू भी मिल रहा है, और बच्चे सारे लड्डू खाने में लगे हुए, क्या कहिएगा? आज इस खुशी के मौके पर आप जो लड्डू खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। भारत जो विश्व गुरु था लोग कहते थे, आज हम पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहे हैं। ये पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी गणना, हम गणना करके बताते थे कि कब ग्रहण होगा, कब क्या होगा। आज जो है इसरो के वैज्ञानिक ने उस चीज को हमारे शास्त्रों को और विज्ञान को मिला करके साबित किया कि हमारे यहाँ सबसे पहले संस्कृति के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति हमारे साथ है, हम प्रकृति के साथ हैं। हम इस योजना में इस इसरो के वैज्ञानिक को और पूरे भारत के नागरिक को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश अपने चरम स्थान पर विश्व के एक अलग स्थान बना रही है, उसके लिए सभी नगरवासियों, खास करके नगर पंचायत रोहतास की जो नई टीम बनी हुई है, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुखिया हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, सभी लोगों की तरफ से सभी आप मीडिया बंधुओं को विशेष रूप से बधाई के पात्र, क्योंकि आप लोगों ने विशेष समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अभी चंद्रयान पर पहुंचा हूं, और बहुत जल्द हम लोग मंगलवासी होकर लौट रहे हैं। यहां अभी हम लोग चंद्रयान 3 पर लॉन्चिंग पर हैं कि हमारा सफल पूर्वक रहा, और हम लोग को घर जाते जाते ये खुशी मिलने वाली है। जो पहली तस्वीर आई है, दूसरी तस्वीर आ रही है कि कितना जल्दी हम लोग मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे, अब मंगल ग्रह पर पहुंचे, सूरज के नजदीक पहुंचे। सर एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है सर, कि चंद्रयान 3 का मकसद क्या है सर? वहाँ पर चंद्रयान 3 जो चांद उतरी है, उसका मकसद क्या है वहाँ का? क्योंकि यहाँ से जो भी
प्राकृतिक से जुड़े हुए चीज़ है। जो भी चीज़ हमारी नुकसान हो रही है, बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सी चीज़ का उतार चढ़ाव हो रहा है, इन सबों चीज़ों को वैज्ञानिक को समझने में मौका मिलेगा, जानने की मौका मिलेगी कहाँ कहाँ क्या परेशानी हमारी हो रही है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये हमारे वैज्ञानिक जो लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, आज देखिए कि कितना प्रयास के बाद, कभी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। चंद्र टू यान पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, क्या हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन आज देखिए असफलता से ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी हम लोगों ने, और चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, और बहुत जल्द हम लोग मंगलवासी बनने जा रहे हैं। आइए इसी सब बातों से आप यहाँ आप देख सकते हैं हमारे नगर पंचायत को काट की तस्वीर, यहाँ पे इस तरह खुशियाँ मनाया जा रहा है। अगर जी आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट बॉक्स में जो भी हिंदुस्तान की तस्वीर जो आ रही है, हिंदुस्तान कामयाबी की ओर जा रहा है, हिंदुस्तान चंद्रयान किस सफलता पर, जो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा आप हमें लिख सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इसी तरह से आप कहते रहिए सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सीधा हमारा। थैंक यू।